ज्वालापुर विधानसभा से बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष शिषपाल जी पर दांव लगाया है। इस बार शिषपाल जी चुनाव मैदान में है, आज नामांकन करने आए हैं। तरह की चुनौतियां इनके सामने बात है। अरे हिलाओ मत यार जी, आपको बधाई नहीं देनी चाहिए। सब धन्यवाद। मैं भी यहाँ आज नामांकन के समय में, पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का है कि यहाँ दांव खेला है, मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। माननीय बहन जी ने मुझे पहले भी 3 मरतबा चुनाव लड़ा है, 2 बार MLA लड़ा हूँ, 1 बार पार्लियामेंट लड़ा हूँ। और माननीय बहन जी ने यहाँ आशीर्वाद दिया है ज्वालापुर। किस तरह से चुनौती दी मेरे सामने, मैं तो समझता नहीं कोई चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेजेंट विधायक था, उसके हालात देख लो क्या है, वहाँ कितना विरोध है। कांग्रेस की स्थिति है आपके सामने है, कभी आज लिस्ट जारी हो रही, कभी कल जारी हो रही, तो ये आपके सामने है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर, एक एक कैडराइज वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है। और सारे मुद्दे क्या है, मुद्दे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, रोजगार है, ये मुद्दे होंगे बहुजन समाज पार्टी के। और बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कोई घोषणा पत्र माननीय बहन जी जारी नहीं करती, परंतु जो कहती है वो करती है। बहुजन समाज पार्टी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चर्चा मार रही आदरणीय बहन कुमारी महाती जी, जो हमारी मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने कितना विकास, बसपा किस तरह से दिख रही है उत्तराखंड में, बसपा उत्तराखंड में बढ़िया प्रदर्शन करने जा रही है। और पहली बात तो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बगैर बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड में सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। बसपा यानी कि किंग मेकर के तरीके से उत्तराखंड में आ रही है, किंग मेकर बहुजन समाज पार्टी रहेगी। पहले भी आपने देखा होगा 2012 में कांग्रेस को समर्थन दिया था, इस बार अगर किंग मेकर बनती है, ये तो माननीय बहन जी का फैसला है। मैं बहन जी का सिपाही हूँ, माननीय बहन जी मेरी नेता है, फैसला वो करेंगी, मैं तो सिपाही हूँ उनका, मैं तो दूत हूँ, दूत बनकर के पूरे उत्तराखंड में बहुत जनता के बीच जा रहे हैं। बसपा जो है मुस्लिम वोटर जो है उन पे अपना फोकस कर रही है, दलित समाज तो उसके साथ है ही। यदि जीतती है मुस्लिम वोटर आपको विधायक बनाता है, तो आप पर्सनली कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे या बीजेपी? मैं ये फैसला माननीय बहन जी का है, मैं फिर भी कहना चाहता हूँ ये मेरा कोई फैसला नहीं है, मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। परंतु जहाँ तक दलित मुस्लिम की समाज है, समाज की बात है वोटरों की, मेरा सर्व समाज की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। यहाँ दलित मुस्लिम कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी से भाई मोहम्मद शहजाद जी लड़ रहे हैं, उधर सरबत करीम जी लड़ रहे हैं, दलित वोट गठड़ी बंद करके भाई मोहम्मद शहजाद को मिल रहा है। तो मुझे भी अपेक्षा है कि मेरा मुस्लिम समाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये माने असलम राव असलम जी मेरे साथ खड़े हैं, ये खेड़ी से चल करके पूरा पीतपुर तक मेरी विधानसभा को देखते हैं, अन्य और समाज भी, सैनी समाज है, बंजारा समाज है, कश्यप समाज है, पाल समाज है, बहुजन समाज पार्टी के साथ सर्व समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ज्वालापुर से प्रत्याशी शिषपाल जी, उनका साफ तौर से कहना है कि सर्व समाज हमारे साथ है। और इस बार BSP जो है उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है अपने सहयोगी ऋषभ चौहान के साथ। मैं मोहम्मद अजीब, न्यूज़ 24।